मौजूद ख्वातीन हज़रात, शाम गज़ल के उन्वान से ये सिलसिला, जिसका ताल्लुक 1968 से शुरू होता है, यानी 42 बरस इस सिलसिले को कायम करते हुए हो गए हैं। इतने में एक पूरी जनरेशन जवान ही नहीं होती, बल्कि उसके बालों में चांदी भी नज़र आने लगती है। और ये सिलसिला 42 बरसों से रवा दवा है। बेहतरीन शामों का अहतमाम गज़ल गायकी के हवाले से, ख़ास तौर से शाम गज़ल इस तंजीम के हवाले से आप तक पहुंचा है। और आज की शाम, जिसे नाम दिया गया है ज़िंदगी जब भी
तेरी बज में लाती है हमें। जाहिर है उन्वान से ये जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक कुछ सिनेमा से भी है। हिंदुस्तानी सिनेमा ने गज़ल गायकी को जो परवान दी है, जो आबरू उसकी आपके सामने है, पूरा सफ़र बहुत कुछ दिया है हिंदुस्तानी सिनेमा ने। और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स, जो राइटर्स, अदीब, दानिश्वर जो सिनेमा से जुड़े, उनके अगर फेहरिस्त देखेंगे तो बड़े बड़े नामवर नाम आपको वहाँ नज़र आएंगे जिन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। समाज पर सिनेमा का बहुत मुस्बत असर पड़ा है। और हिंदुस्तानी तारीख को भी अगर आप देखें, फ़लसफ़े को देखें, इंसानियत को देखें, आपसी रिश्तों को देखें, तो सिनेमा का ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और आज की शाम सिनेमा में जो खूबसूरत गज़लें गाई गई हैं, उसमें से चंद चुनिंदा गज़लें आपके सामने तो मशहूर गुलकार यहाँ आएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। बहुत सारी यादें, जाहिर है कि हज़ारहा हज़ार की फहरिस्त है और हम चुनिंदा गज़लों को ही यहाँ पेश कर सकते हैं। एक शाम में कुछ वक्त की कैद है, हम भी मजबूर हैं और आप यकीनन लुत्फानंदोज़ होंगे, ऐसा हमारा ख्याल है। 42 बरसों के इस तवील सफ़र में रिवायती और क्लासिकल के साथ साथ जदीद लहजे की भी आबियारी शाम गज़ल के इस प्लेटफॉर्म से होती रही है। कई यादगार महफिलों का इनकाद और तवील सिलसिला रहा है शाम गज़ल का। शाम गज़ल के साथ कई नामवर शख्सियात भी वाबस्ता रही हैं, मसलन अनिल बिस्बास, नाना देवी, हिलाल अहमद ख़ान, हफीज़ अहमद ख़ान, अंजलि बनर्जी, मधुबाला सिंधु, चंदन दास, मुनव्वर अली ख़ान, मजहर अली ख़ान, राधिका चोपड़ा, संदीप बनर्जी और ये दोनों हजरात जो आज आपके सामने आएंगे, यहाँ अभी कुछ देर पर हम आवाज़ देंगे, राधिका चोपड़ा बिलखसूस और संदीप बनर्जी, इनका एक सिलसिला एक तसलसल मुसलसल, सुदीप बनर्जी, इनका एक सिलसिला मुसलसल शाम गज़ल से रहा है। और रेडियो, टेलीविज़न, मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से भी आप इनसे मुलाकात करते रहे हैं। वर्ल्ड स्पेस रेडियो के हवाले से भी तकरीबन रोज़ आप इनकी आवाज़ों से लुत्फानंदोज़ होते रहे होंगे। हजरात, शाम गज़ल के कई प्रोग्राम इंडिया इंटरनेशनल में तो मुनक़िद होते रही हैं, इसके अलावा बाहर भी कई बार मौके मिले हैं, ख़ास तौर से राष्ट्रपति भवन में और गालिब के मज़ार पर भी शाम गज़ल की जानिब से बहुत खूबसूरत और यादगार शामें मुनक़िद की गई हैं। और उसके सामईन में यानी ऑडियंस में याद आ रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, पंडित विजय लक्ष्मी पंडित और एक तवील सिलसिला है, साठे साहब, पी एन हसकर साहब, बहुत सारे लोग। और जाहिर है कि यहाँ भी मैं आप सब लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ और बहुत कुछ याद आ रहा है और जाहिर है कि हमारे पास वक्त कम है। हजरात, शाम गज़ल की जानिब से अंग्रेज़ी, फारसी, उर्दू के स्कॉलर कोकब दुर्रे साहब की बहुत याद आ रही है, जिनका लिखा हुआ और तहरीर करदा और हिदायत में एक ड्रामा भी यहाँ पेश किया गया था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत महजूज़ हुए थे। और आज कोकब दुर्रे साहब चूँकि बहुत बड़े स्कॉलर थे और आज हमारे नहीं हैं, तो आज की ये शाम हम उन्हें खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। शाम गज़ल के हवाले से बहुत सारे कई सेमिनार भी मुनक़द हुए हैं जिनकी घनगरज आज भी कायम है। हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंद्र शर्मा फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद है कि इस प्रोग्राम में आज की शाम में उनका भी शिरकत शामिल है। आज की यादगार शाम के लिए जो हमने नाम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, ज़िंदगी जब भी तेरी बज में लाती है हमें के हवाले से हम बहुत खूबसूरत चंद नगमे आपके सामने पेश करेंगे। हजरात, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि सिनेमा में उर्दू और हिंदी के बेशुमार लोग, अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, उपेंद्र, अर्शक, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद, एक तवील सिलसिला है, मजरूर सुल्तानपुरी, इन सब लोगों की मौजूद, ख्वाजा अहमद अब्बास की वजह से ही सिनेमा शायद यहाँ तक पहुँचा है कि उसने बहुत बड़ी आबियारी की है अदब की और समाज की। रेशमा, इस सिलसिले में गज़ल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो एक गज़ल का बहुत ही मशहूर मारूफ शेर है जब हम इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कहूँगी कि गज़ल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। हाज़रीन महफ़िल, आज की ये बेहद खूबसूरत शाम उन सुरों के नाम जिन्होंने मोहब्बत को आवाज़ दी, जज्बात को हौले से सहलाया, यादों की कई दरीचे खोली, और साथ ही उन फनकारों के नाम जो न सिर्फ इश्क की बात कहते हैं बल्कि नहायत मोहब्बत के साथ मोहब्बत को आवाज़ दिया करते हैं। हाज़रीन महफ़िल,
मैं रेशमा फारूकी नाजिम महफिल मोहतरम अनीस साहब के साथ इस खूबसूरत शाम शाम गज़ल में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, साथ ही ये भी यकीन दिलाती हूँ कि आने वाले लम्हे न सिर्फ खूबसूरत होंगे, सुरीले होंगे, बल्कि मौसीकी की उस चाशनी में भी शराबोर होंगे जिनकी लज्जत आप लंबे वक्त तक महसूस कर पाएंगे। इससे कबल कि बाकायदगी से इस खूबसूरत शाम गज़ल का मैं आगाज़ करूँ, नहायत ही एहतराम के साथ उन दो नामों का मैं जिक्र करना चाहूँगी जिन्होंने इसे मुनाकिद करने में अपना ताउन दिया, इस महफिल को शक्ल दी और हम सबको यहाँ इकट्ठा होकर लुत्फानंदोज होने का मौका भी फराहम किया। ये दोनों ही नाम गज़ल के आसमान पर उस आफताब व महताब की तरह हैं जिन्होंने बरसों से उर्दू अदब की खिदमत की और एक से बढ़कर एक गज़लें और नज़में हमें अता की। मोहतरमा इंदिरा वर्मा, जी हाँ, नाज़रीन, मोहतरमा इंदिरा वर्मा किसी भी तारुफ की महताज नहीं है। एक लंबे अरसे से अपनी गज़लें और नज़में बड़ी ही खूबसूरती के साथ हम तक पहुंचा रही हैं। कभी किताबों की शान बनती हैं और कई बार मुनफरिद गुलुकारों की ज़ुबान भी बन जाती हैं। आज आपको बताना चाहेंगे कि इनके दो शेरी मजमूए और दो सीडीज़ मंज़र-ए-आम पर मकबूल हो चुकी हैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ ये भी बताऊँगी कि दूसरा जो नाम है वो शायद ही उर्दू से वाकफियत रखने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो उन्हें ना जानता हो। जी हाँ, वो नाम है मोहतरमा नूर जहाँ सरवत का, जिन्होंने उर्दू गज़ल का एक तवील सफ़र तय किया और आज बुलंदी के उस मकाम पर पहुँची हैं जिन्हें देखकर ना सिर्फ रश्क होता है बल्कि हमें फ़ख्र का भी एहसास होता है। इनका शेरी मजमुआ बेनाम शजर मंज़र-ए-आम पर है और काफ़ी मकबूल भी होता है। हमें एहसास कराता है कि इसमें कितने खूबसूरत और नाजुक जज्बात हैं। हाज़रीन, बात उन फ़नकारों की जिनसे रोशन होगी आज की ये खूबसूरत शाम, जिनके सुरों से मखमूर हो जाएंगे हम और आप। वैसे कहा जाता है कि एक फ़नकार या गुलूकार बरसों की लगन, कोशिश और सख्त रियाज से बनता है फ़नकार, और हमारी खुशकिस्मती कि आज की शाम को हसीन बनाने एक नहीं बल्कि दो दो फ़नकार हमारे बीच मौजूद हैं। ये वो फ़नकार हैं जिन्होंने गुलुकारी की दुनिया में बिलखसूस गज़ल गायकी में अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया है। डॉक्टर राधिका चोपड़ा, जिन्होंने अपनी आवाज़ से हम सबको मखमूर किया, और सुदीप बैनर्जी भी एक लंबे वक्त से अपनी आवाज़ गज़लों के ज़रिए हम तक पहुँचाते आ रहे हैं। आपको यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इन दोनों फ़नकारों का साथ देंगे, सारंगी पर होंगे ग़ुलाम साबिर साहब और तबले पर इन फ़नकारों का साथ देंगे मनोज नागर साहब। और अब इंतज़ार की घड़ियाँ यहीं ख़त्म होती हैं, अब मैं आवाज़ देना चाहूँगी इन दोनों ही फ़नकारों को, डॉक्टर राधिका चोपड़ा और सुदीप बैनर्जी। हम चाहेंगे कि स्टेज पर आएं और इस खूबसूरत शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। इस्तकबाल कीजिए आज के इन दोनों अजीम फ़नकारों का, सुदीप बैनर्जी और राधिका चोपड़ा। और हमारे आज के मौसीकार भी बहुत ही नामी गिरामी शख्सियात हैं, मौसीकी की दुनिया के दो जाने माने उस्ताद। हज़रात, हमारे आज के ये दोनों फ़नकार एक दूसरे के कॉलेज के ज़माने से दोस्त और साथी रहे हैं और खूब शरारतें भी हुई हैं, दोस्ती भी थी, लड़ाइयाँ भी इनकी रही हैं। और इनका एक और रिश्ता भी है कि दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। वो उस्ताद, यानी आप सब वाकिफ़ हैं, शांति हीरानंद साहिबा, वो यहाँ मौजूद होती लेकिन आज की शाम इसी वक्त उनको दिल्ली की वज़ीर आला मोहतरमा शीला दीक्षित लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दे रही हैं। और उनका मैसेज आया है कि मेरी नई ख्वाहिशात इन दोनों शागिर्दों के साथ और इस पूरी महफिल के साथ है और गज़ल गायकी की इस रस्म के साथ है। तो हम उनका खैरमकदम करते हैं। शांति हीरानंद साहिबा को आप सब जानते हैं, वो शागिर्दा थी बेगम अख्तर की, यानी ये सिलसिला जो राधिका और सुधी तक पहुँचा है बेगम अख्तर से होता हुआ शांति हीरानंद की तरफ से यहाँ तक पहुँचा है। तो आज की शाम हम आज जो सबसे पहली गज़ल यहाँ इन
राधिका जी पेश करेंगी, वो एक मशहूर गज़ल है, ए दर्द ज़रा दम ले। 1938 से हम ये सिलसिला शुरू करते हैं और इसके शायर हैं DS मधोक, फिल्म ज़माना, और इसे गाया था आमिर जान ने। आमिर जान, अब आप सुनेंगे राधिका चोपड़ा की आवाज़ में। आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि शाम-ए गज़ल ने आज चौथी बार मुझे याद किया है। किसी भी फ़नकार के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि शाम-ए गज़ल अगर उन्हें इस काबिल समझे कि अपने प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दे। शुक्रिया इंद्रा जी, शुक्रिया नूर जहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। सारंगी का माइक खोले। करवट तो बदलने दे, ऐ दर्द जरा दम ले, करवट तो बदलने दे। अरमान भरे दिल को, अरमान भरे दिल को, पहलों में संभलने दे। ऐ दर्द तो बदलने दे, अरमान भरे दिल को, अरमान भरे दिल को, पहलों में संभलने दे। ऐ दर्द जरा दम ले, करवट तो बदलने दे।
से तो बदलने दे अरमान भरे दिल को, अरमान भरे दिल को पहलू में संभलने दे। ए दर्द जरा दम ले करवट तो बदलने दे, ए दर्द जरा दम ले करवट तो बदलने दे, ए दर्द जरा दम ले करवट तो बदलने दे। थैंक यू। शुक्रिया राधिका जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम आपने हम तक पहुंचाया और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं महसूस हुए होंगे। हजरत, गुजरे ज़माने ने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक ऐसा कोहिनूर अता किया था जो न सिर्फ उस ज़माने में मकबूल था बल्कि आज भी मौसीकी के शौकीनों में वो नाम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है और वो नाम है केएल सहगल, यानी कुंदन लाल सहगल का। अरे साहब, लगता है कि आप केएल सहगल के बारे में हमें कुछ और बताना चाहेंगे। यकीनन हजरत, मैं इस वक्त सहगल साहब की बात हो, जाहिर है कि आप सब लोगों के जहनों में ये बात महफूज है कि 1931 में हिंदुस्तान में पहली टॉकी फिल्म बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी। उससे पहले जो फिल्में आती थी उसमें आवाज़ नहीं होती थी और प्लेबैक सिंगिंग का सिलसिला शुरू हो गया था और रिकॉर्ड चलता था और वहाँ से आवाज़ आती थी। पहला जो गाना हमने सुना सिनेमा में चलते वक्त वो आलम आरा से सिलसिला शुरू हुआ। और सहगल साहब कलकत्ता गए थे हीरो बनने और वहाँ उनको एक बंगाली गाने के लिए एक मौका मिला तो उनको लगा कि ये मौका गनीमत है और एक रात में उन्होंने बंगाली दोस्तों के साथ बैठकर बंगला जबान से की और गाना जब प्रोड्यूसर ने म्यूज़िक डायरेक्टर ने मना कर दिया, उनका सुन तो लीजिए, जब सुना सुबह तो लोग हैरान हो गए और केएल सहगल को उसी सुबह केएल सहगल बनना था और वो केएल सहगल बने। ये वाकया एक और मैं आपको सुनाता हूँ 1946 का। नौशाद साहब एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे और केएल सहगल साहब के बारे में बात उस वक्त तक 1946 में मशहूर हो गई थी कि चार पाँच पैक लगाए बगैर, ड्रिंक के बगैर वो कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं करते थे। नौशाद ने कहा, देखो सहगल, मेरी एक शर्त है, ये गाना अमर होना चाहिए। अमर उसी वक्त सूरत में होगा कि जब तुम बगैर शराब को हाथ लगाए हुए स्टूडियो में आओगे। सहगल साहब पर पता नहीं नौशाद साहब की इस बात का क्या असर हुआ, उन्होंने पूरी रात नहीं पी, अगले दिन नहीं पी और शाम को जब रिकॉर्डिंग करने आए तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, हाय हाय रे जालिम ज़माना। ये शाहजहान फिल्म का 1946 का गाना बहुत खूबसूरत हमारी रगों में खून की रफ्तार को आज भी तेज़ कर देता है जबकि इसमें शराब की कोई मिलावट नहीं है। और अब सुदीप बनर्जी एक नशे के आलम में हम तक इसे पहुँचाएँगे, गम दिए मुस्तकिल। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तादाद में जब लोग आते हैं गज़ल की महफिल में तो वाकई बहुत मज़ा आ जाता है और ये शाम गज़ल ही कर सकती है ये बात। और मेरी खुशकिस्मती है जो मैं आप सबके दरमियान आज गा रहा हूँ। थोड़ी बहुत भूल चूक जो हो वो माफ़ कर देंगे और सहगल की तरह ही मैं भी आज बिना पिए ही गा रहा हूँ। गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम ज़माना। गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है।